What are you going to sing for us today? This is a special one, and it's in my mother tongue, Hindi. Interesting. We just have to check your voice. Let's see if you got it in you. Thank you. आपकी फेवरेट फिश कुफरे। थैंक यू। प्लेट में ड्राइंग बन रही है, कुछ तो बात है। क्या वो मेरी मई को? मेरी क्लास में वरुण नाम का एक लड़का है। लड़कों की बातें करने की पता नहीं कौन से स्कूल से है। लास्ट एग्जाम से फर्स्ट आ रहा है। उसने मुझे 1% से बीट किया। और आप क्या क्या सोच रहे थे? माही, इट्स ओके। ओके कैसे दादू? 1% ही तो माही। 1% पापा? 1% से भी रेपुटेशन खराब हो गई। क्या बोल रहे हो माही? हमेशा याद रखना, इट इजंट द गोल बट द जर्नी शुड बी अमेजिंग। रिजल्ट कुछ भी हो, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। हारना जीतना ऊपर वाले के हाथ में। सिर्फ 6 साल की ज्यादा ज्ञान नहीं हो गया? ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई जब कह रहे थे कि उसका बॉयफ्रेंड है। आज कौन सी स्टोरी? हमेशा की तरह नई वाली। ठीक है, देन
Let's go. Once upon a time, there was a king. Wait, king ki jagah kaise imagine karun? Aur kaun? Mujhe. Okay, okay, continue. And the king had a beautiful daughter named Tara. It's me. It's me. Obviously. One day, the king and his minister and his commander... Papa, okay, got it. Dadu minister, Justin uncle commander, okay? Okay, okay. Continue, continue. Hmm. So, they all went. And that's how Tara found the wand and saved the king and his kingdom. Bas khatam? Khatam. Is story mein bhi mamma nahi hai? Nahi hai. Hamesha aise hi karte ho. Mamma ke bina stories hoti bhi hai? Hoti hai kuch. Lekin mujhe mamma wali story sunni hai. Nahi to main tablets nahi khaungi. Mere sare friends mujhse poochte hain. मुझे अभी सुनना है। ठीक है सुनूंगा, पर अभी नहीं। मगर कब? वरुण को बीट करके जब क्लास में फर्स्ट आओगी तब मैं तुम्हें मामा की स्टोरी सुनाऊंगा। मदर प्रॉमिस? Promise. Aap khaye tablets? फिलहाल तो तुम उससे उसकी माँ की बात छुपा रहे हो, पर एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या तुम बता पाओगे? अभी इसमें बहुत टाइम है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझसे पूछती है, क्या जवाब दूँ? तुम्हें पता भी है बाहर लोग क्या क्या बातें बोल रहे हैं। आंखों में पट्टी बांध के मत रहो। सच्चाई लोग क्या बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है। पर अब वो बड़ी हो रही है, लोगों की बातें जब वो सुनेगी तब तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, पर उसे कैसे समझाओगे? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला? बात हुई है मेरी उनसे। She is an expert in 65 roses. स्वीडन के हिसाब से 9:30 PM मतलब यहाँ रात के 2 बजे का वीडियो अपॉइंटमेंट है। ज्यादा देर तक मत जागना। गुड नाइट नाना।
पता था। कांग्रेचुलेशंस वायलू। थैंक यू पापा।
Papa had a very long day. मैं नहाने जाऊँ? ठीक है, जल्दी आना. Waiting. Waiting क्यों? क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आई ना. हाँ तो congratulate किया ना मैंने. Congrats, ठीक है. मम्मा की स्टोरी? स्कूल से कॉल आया था, वो स्कूल नहीं पहुंची. विराज वो घर में नहीं है. मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं. फ्रूटो भी गायब है. I'm coming to the school now. Let me know if he comes there. पागल हो क्या? किसी को बिना बताए चली गई? मैं क्या हो गया था पता है? Do you think it's a game? मेरे पापा. एक बार भी सोचा तुमने? Hi पापा, this is Yashna.
विराज विराज आपको पता है क्या हुआ था? लूटो लूटो कम लूटो जिस तरह से वो ट्रक आ रहा था आई थॉट इट वॉज अ लास्ट डे इन अ फ्लैश ऑफ द मोमेंट आज सब थैंक यू सो मच मुझे नहीं उस ट्रक ड्राइवर को जाके बोलिए क्या कर रही थी माई तुम अकेले बाहर आई क्यों कॉटन कैंडी खाने कॉटन कैंडी तुम्हें पता है ना कॉटन कैंडी नहीं खा सकती आपको पता है ना आप प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते अपनी मम्मा की कहानी सुनने के लिए 1 month डे एंड नाइट उसने पढ़ाई की वरुण को एग्जाम्स में 2% से बीट किया क्लास में फर्स्ट आई और आपने क्या किया अगर आप प्रॉमिस तोड़ सकते हैं तो ये कॉटन कैंडी क्यों नहीं खा सकती मैम यशना मिस यशना आपकी हेल्प के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पर क्या मैं अपनी बेटी से प्राइवेटली बात कर सकता हूँ या प्लीज गो अहेड सब बता दिया तुमने What's wrong? मामा की स्टोरी सुनी है ना शाम को पक्का सुनाऊंगा प्रॉमिस मदर प्रॉमिस ही तोड़ दिया तो कोई नॉर्मल प्रॉमिस पे कैसे बिलीव करे और घर जाके लॉन्ग डे बैड डे नो स्टोरी बिकॉज इट्स अ हॉलिडे वी जस्ट डोंट बिलीव यू आप किस खुशी में बीच में पड़ रही हैं? मैं जब मर्जी स्टोरी सुनाऊं आपसे मतलब लुक विराज आज उसे बचाने के लिए मैं थी वहां पर हर रोज नहीं रहूंगी मैंने मही को प्रॉमिस किया है कि वो आज अपनी मामा की कहानी सुनेगी एंड आई कांट ब्रेक माय प्रॉमिस आपकी तरह एनीवे मेरी शॉपिंग हो चुकी है मैं शाम तक फ्री भी हूँ एंड आईव गॉट माई कॉफी विद मी वी आर ऑल इयर्स जानती भी नहीं है She's Yashna, my friend. कोई चॉइस नहीं है मन क्या पिचिनो मैं भी उसके साथ था जल्दी 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 Yes.
क्या होगा, धीरे धीरे से जरा चलो, दिल की कहानी ना सुनो, जाने कहाँ ले जाए हवा, दिल के परों पे ना उड़ो, साया तेरा साया सांसों में यूं घुल गया, घुल गया, मेरे खुदा जन्नत का दरवाजा खुल गया, हो दिल ये कहे तो जलता तारा, बहती धारा, तुझको मांगू जागू मैं रात भर, तेरी अदाएं हो गया फिदारे, तू सच है या सपना, बस नाम बता दे अपना। मुस्कुराए ऐसे हाय मन में मोती चमके, चुन चुन के मैं माला बुनता हूँ रे, तीनों जहानों मेरा ऐसी हसीना, आसमां से जाके कोई कह दे, धीमी धीमी धड़कनों में बज जाती है पायल, मेरे आगे छमसे तू आ जाए, हाथों को थामे तो मिल जाए खजाने, दिल पे मेरे नूर की बूंदे बरसे, क्या कर रहे हो? हाँ प्यार में हो क्या? क्या तुमसे पूछ रही हूँ। अरे क्या हुआ दीदी? क्या? एक लड़की को देखा नहीं कि उसकी फोटोज खींचने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? दिस मैन हैज बीन फॉलोइंग मी एंड टेकिंग माय फोटोग्राफ्स विदाउट माय परमिशन। दीदी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? लड़की की फोटो खींच के छेड़ रहा है क्या? ऐसे क्या देख रहा है? क्या कैमरा? इडियट। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, आप मेरे दोस्त पर क्यों चला रही थी? शुक्र मनाओ, जान नहीं ली, शर्म नहीं आती? विदाउट परमिशन फोटोज क्यों खींच रहा था वो? दीदी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस? हाँ। देखिए वो एक पैशनेट फोटोग्राफर है, आप मनीष लाखिया को जानती है, मुंबई का फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है, वो उसके साथ काम करना चाहता है, इसलिए आपकी फोटो लेकर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है। आप चाहो तो कैमरा चेक कर लो, आपको एक भी वल्गर फोटो नहीं मिलेगा, प्लीज। सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए आपके पीछे घूम रहा है, आपके प्यार के चक्कर में नहीं। ए पमेरियन, अगर इसको दोबारा हाथ लगाया ना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। हेलो विराज। विराज मुझे आपके पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता था, आप मेरे फ्रेंड्स नहीं हो ना, और मेरी फोटोज खींच रहे थे, दैट्स व्हाई गॉट रियली मैड। I'm really sorry. I love you. अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इज्जत का पलूता मत करना। Love it for the room. Sister, I'm really sorry. इसके क्लियर के बारे में मुझे अभी पता लगा। सुन भाई, तू पुलिस कंप्लेंट कर ही दे। I'm really sorry. दीदी तो मेरे फोटोग्राफी मेंटर हमेशा एक बात कहते थे, हर फोटो से हम देखने वाले को एक स्टोरी सुनाते हैं। आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई, आप समझ रही है? फर्स्ट टाइम आपकी फोटो देखकर मुझे मेरी स्टोरी मिल गई, मेरी स्टोरी, हमारी स्टोरी, हम कैसे मिले, हमारा प्यार, हमारी शादी हुई, और ये स्टोरी मैं अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को सुनाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया या गलत, बस लगा कि उसे कहा हुआ पहला शब्द सच से शुरू हो। अरे अरे कैमरा, मेरे बीवी के पास तेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक
35 mm लड़की को जो कैमरा दिया है वो वापस नहीं मिलाना, वो 35 mm का रोड यूज करेंगे। कहीं मिली नहीं रही है, सब जगह ढूंढे मैंने। अपने स्टूडियो में ढूंढा क्या? It is different from a zoom lens. Uncle. Hey, Washa. ये तो सच में है। ये हंसने का टाइम है क्या? हो गया काम तुम्हारा, मैं तो चला। मैं कल की चाय की दुकान संभाल लेता हूँ, तो गोपी की जेरोक्स की दुकान संभाल ले। You, come here. You, come. तुझे बुला रहे, मेरा नाम मत लेना, आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। He is coming, sir. जो किया इसी ने किया है सर। विराज, she needs few printouts. Don't worry, Varsha. Go with him. He'll help you out. Thank you, uncle. See you. So, students, I was telling you about the block. Hey, मुझे तो पता क्या हुआ? भाई, इधर से। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बॉस आपके अंकल हैं। अगर पता होता तो कल वो सब नहीं बोलते। झूठ बोल रहे हो ना? प्रिंट्स दो। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। तुम्हारी तरह लव एट फर्स्ट साइट क्या? Actually, I don't believe in love, marriage, or even kids. भूल सकता हूँ क्यों? Why the hell are you involving kids? Because they have every right to know. तुम हमारे साथ कभी नहीं थे। You've seen them when they were little. वर्षा, तुम्हारे और भाई के बैग्स पैक कर दो। You're going to Kunur to stay with Mahendra uncle. Prince. My parents are getting divorced. शायद उन्हें लगता है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें उनके प्यार की जरूरत नहीं है। आज तक वो दोनों हमारी वजह से साथ थे, अब अपने लिए अलग होना चाहते हैं। ये मेरी कहानी है। ये उतनी सुंदर नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। These are wonderful pictures. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करियर के लिए काम आएगी, then go ahead. All the best. आप ये सच में मुझे दे रही हैं? पर हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है ना? आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं यहाँ 2 हफ्तों के लिए हूँ। अगर तुम अपने लव स्टोरी पर थोड़ा पॉज लगाओ तो वी कुड बी फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स आ। वैसे तुम्हारी मम्मा ने लव स्टोरी में सिर्फ पॉज मारने बोला था, फुल स्टॉप नहीं। तो देखा जाए हम काफी अच्छे दोस्त थे। अटैचमेंट सर्कल काफी छोटा था, मैं तो किसी तरह उसका हिस्सा बन गया, लेकिन बेचारा प्लूटो नहीं बन पाया। She never really liked dogs. हाँ, बहुत अच्छा है, टेस्टी है ना?
अंकल जस्ट ट्राई दिस हेरा इट्स डिलीशियस जस्ट ट्राई इट्स सो टेस्टी Thank you.
तुझको चाहूं न चाहूं मैं क्या करूं, तेरी निगाहें अरमा जगाए, कहो तू सच है या सपना, बस तय करना है इतना। कुछ कहना है विराज। मुझे भी। कहाँ था कैमरा? कैनन 550T, 45,000 रुपीस। फाइनली खरीद लिया मैंने। इमेज क्वालिटी देखिए मैडम। 18 मेगापिक्सल, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो तारे भी कैप्चर कर लूँगा। All thanks to Pluto। मतलब? मतलब? काफी रिच फैमिली में गए वो। बेच दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं। उन्होंने ऑफर किया, वैसे भी मैं कहाँ अच्छे से रख पाता, वहां बड़ा घर, इतने सारे लोग, खुश रहेगा वो। बड़ा घर, इतने लोग, बड़ी गाड़ी, पैसे, शायद वो सब नहीं चाहिए था उसे। तुम्हें पता है कितनी अमीर हूं मैं, समझो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे पाए जो तुम चाहते हो, तो तुम कोशिश करने के बजाय मुझे छोड़ दोगे? ये दोनों बातें सेम कैसे हुई? जिम्मेदारी। तुम्हारे पास सिर्फ प्यार है, जिम्मेदारी नहीं। तुम पर्सनली क्यों ले रही हो? तुम्हें तो पेट्स पसंद भी नहीं। यहाँ आने से पहले मुझे भी यही लगता था। कहना क्या चाहती हो? मतलब? मतलब मैं जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। जैसे मम्मा और मेरा झगड़ा हुआ था ना, वैसे ही उनके मम्मा और पापा का भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मम्मा को बहुत बुरा लगा।
sir. Thank you. Get the check. Viraj. काम क्या करते हो? मैं फोटोग्राफर हूँ. कितना कमा लेते हो? मतलब एक फोटो के महीने के कितने पैसे मिलते हैं? क्या बताने लायक नहीं है? छोड़ो, रहते कहाँ हो? यही थाने में. हम यहाँ मालाबार हिल में रहते हैं. कितना डिस्टेंस होगा थाने से मालाबार हिल? रफली 30-40 किलोमीटर के आसपास होगा. और कुनूर से हमारे घर का कि... मम्मा क्यों? उसे पता होना चाहिए उसके और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है. मैम चेक. गिव इट टू हिम. मम्मा दिस इज टू मच. You invited him, sir. So you should pay. हमारे खाने तक का बिल नहीं पे कर सकता ये. I just don't believe it. What's he up to? वो मैं एक बार टोटो को देख कर आता हूँ. Give us 5 minutes. प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? यही कि वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे पैसे के पीछे यहाँ आया है. प्यार शादी सब मजाक लगता है तुम्हें? तुम्हें नहीं लगता उससे शादी करने से पहले उसे जानना चाहिए, सोचना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? बिना ये सब जाने आपने तो सोच समझ कर शादी की थी ना पापा से. Did that stop you from getting a divorce? My failed marriage does not become a reason for you to love someone random. मैं अकेले रो भी रही हूँ तो at least एक बंगलों में. इससे शादी करोगी तो सड़क पर रोती मिलोगी. क्या वो कब का जा चुका होगा? बिल पे करो, निकलते हैं. सॉरी. विराज 200 रुपीस इस होटल में टिप दे दे. थैंक यू सर. थैंक यू. टीपीए मैम, बिल ऑलरेडी पे हो चुका है. मैं कोई अमीर नहीं हूं. पे करने से पहले कम से कम 10 बार बिल चेक किया होगा मैंने. लकीली कल ही सैलरी आई थी. आज किस्मत अच्छी थी तो पे कर पाया हूं. और 5 साल बाद इट बी बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क. मैम कुनूर से आपका घर 1200 किलोमीटर दूर है. मैं 2 ट्रेन 1 बस 3 रिक्शा बदल कर आया हूँ. पर कल शायद मैं 1 घंटे में आ जाऊँ. जितने का आज बिल पे किया है मैंने, अगर मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया तो शायद मैं 1 घंटे में उतना कमा लूँ. आप हमारे बीच का डिस्टेंस किलोमीटर से नाप रही हैं और मैं टाइम से. आपका डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा लेकिन मेरा टाइम जरूर बदलेगा. वर्षा तुम्हारी मम बिल्कुल सही कह रही है. पैसे नहीं है मेरे पास, बस एक जमीन. ज्यादा से ज्यादा मेरे पास पापा की एक छोटी सी जमीन है. तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो
पता नहीं तुम्हें कैसे रखूंगा। पर तुमने साथ दिया तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मैनेज किया, पूरी दुनिया जीत लूंगा। अच्छा, विल यू मैरी मी? तुम, मैं और प्लूटो, हम काफी हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वेल, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड। It's my third anniversary. Thank you, but he's late, as usual. This song I wrote in my mother tongue, Hindi. And I hope you guys like it. Ready? Here we go. तुम सारा प्यारा कोई हो ना, हे आगे
जो आके दिल से लगा ले प्यारा लगे भी तो प्यारा लगे। विराज क्या सोच रहे हो इतना? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चों की नाक तुम्हारी तरह होगी कि मेरी तरह। मतलब क्या हुआ? आई थॉट आई वॉज क्लियर अबाउट द किड्स विराज। जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब क्या कहा था तुमने? तुम और मैं, हम दोनों काफी है, यही कहा था ना? हाँ कहा था। फिर क्या है ये सब? अरे तो बच्चे भी तुम्हारे होंगे ना, दिल भी आर एक्सटेंशंस। वाओ गुड वन। पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ विराज। मॉम डैड के रिश्ते में उनका हाल देखने के बाद तुमसे शादी करने के लिए मैं रेडी हो गई थी। एज अ चाइल्ड जैसे मैंने सफर किया है, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी करें। तुम कहना क्या चाहती हो? हम हमेशा साथ नहीं रहने वाले। अब वो कैसे पता? सिर्फ 3 साल हुआ हमारी शादी को विराज। हम खुश रहेंगे हमेशा की तरह, क्या ये तुम प्रॉमिस कर सकते हो? प्रॉमिस करने से भी डर लग रहा है ना तुम्हें? प्रॉमिस करने से नहीं डर रहा हूँ मैं, तुम्हारी सोच से डर रहा हूँ। और झगड़े किस कपल में नहीं होते? मैं हमारे खूबसूरत फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और तुम के सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही हो। मैं हमारे नहीं, हमारे वजह से बच्चों को होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारे प्लान किए हुए उस खूबसूरत फ्यूचर में अगर कुछ भी गलत हुआ ना, कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो सजा सिर्फ हमारे बच्चों को मिलेगी। तुम पागल हो गई हो। You're mad. Forget it. Actually, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। स्टूडियो से वापस ही क्यों आया? वहीं रहना चाहिए था। So who's stopping you? रहो वहीं। अगर घर आना पसंद ही नहीं है तो फिर आए क्यों? करेक्ट है, मेरा ही दिमाग खराब था। तुम्हें जो करने करो, तुमसे शादी करके गलती कर दी।
And? And my world started calling me Papa. What about me? Huh? और मेरा क्या हुआ? उनका. Yeah, sorry. वर्षा, उनके साथ क्या हुआ? Singing. She was always passionate about singing. अपना सपना पूरा करने चली गई. Wait. This doesn't make any sense. जो लड़की प्यार और शादी में बिलीव नहीं करती थी, उसने आप पर भरोसा किया और आपसे शादी की. वो मही को छोड़ के चली गई, वो भी अपने करियर के लिए. मैं नहीं मानती. आप मानो या ना मानो, मैंने जो सुना है वो कोई फिक्शन नहीं, रियल स्टोरी है. Still, that doesn't add up. आप कुछ तो छुपा रहे, सच बोलिए. मैं तुमको मम्मा की स्टोरी सुनी थी, मैंने सुना दी. हम घर चलो, उठो टूटो. अब समझी, एक टाइम था जब आपके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, और आज एक 700 रुपए की कॉफी के लिए 2000 रुपए. वाओ, आपका स्टेटस बदल गया तो प्रायोरिटीज भी बदल गई होंगी. मैं चलूं, लूडो. ये कहानी अधूरी छोड़कर जा रहे हो क्या? उसे भी ऐसे ही छोड़कर चले गए? मैं पापा, क्या तुमने मम्मा को छोड़ दिया? This kid will bring us joy.
सुने क्या गिला क्या शिकवा करे जो सपने बुने कहीं के ना रहे माफिया मांगू भी तो मैं कैसे तुझसे गलतियां अनजाने ही हुई है मुझसे अखिया पूछू भी तो किस हक से रोने दे तो बह जाने दे घर जा मैं उसका ध्यान रखूंगा नहीं, it's okay. मैं ये तेरे लिए नहीं बोल रहा हूं उसके लिए बोल रहा हूं कल से यहीं बैठिए घर ले जाओ उसे प्लीज उसे समझा ताकि वो नॉर्मल हो जाए बेचारी बहुत अपसेट है वो चार महीने हो गए वर्षा तुमने मुझसे बात नहीं की कि उसके बाद क्या हुआ
सॉरी, मुझे नहीं पता, पता था कि ऐसा हुआ होगा। कोई क्या ही कर सकता है, कुछ स्टोरीज होती हैं ऐसी। प्लीज आप रोइए मत, इस बात को कई साल हो गए, वी मूव्ड ऑन, डोंट वरी। Pluto, get in. Pluto, get in. सब रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी। तुम्हें उसे देखने का भी हक नहीं है। बुरा बनता है। She's my wife. No, she's not. ना ही उसे याद है कि वो शादीशुदा है। वो सब भूल चुकी है। ना ही उसे याद है कि उसकी एक बेटी है। उसे ये तक याद नहीं कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो सब भूल चुकी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया। हमें नहीं लगा था वो सरवाइव करेंगी। यू शुड थैंक डॉक्टर अरविंद। उनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आएगी कि नहीं, ये हम कह नहीं सकते। तुम्हारे प्यार में
उसे अब तक जो कुछ भी सहा है काफी है। उसे दूसरी जिंदगी मिली है, इस बार उसे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या है यार, इस घर में किसी को बात करने में इंटरेस्ट है या नहीं, या उठम तराश खेलकर काम चलाए? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, से समथिंग यार। क्राइस्ट, लगता है दोनों ने मौन व्रत रखा है। तुम में से किसी ने डोर बेल सुना? तुम दोनों ऐसे ही अपना कोल्ड वॉर कंटिन्यू रखो, मैं बाहर जाता हूँ, चाहे दूध वाला हो चाहे पेपर वाला हो, मैं उससे बात करूंगा, अपना दोस्त भी बनाऊंगा। यू जस्ट कीप वॉचिंग। जस्टिन, ये यशना, आप मुझे कैसे जानते हो? वैसे आप मुझे कैसे जानती हैं? विराज की स्टोरी में जैसे आपको इमेजिन किया था आप बिल्कुल वैसे ही है, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मही कैसी है? उसके हिसाब से मही के पास ये सब कहा था। उन लोगों ने इनक्यूबेटर में रखा था, कहा हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाएगी। यू नो व्हाट आई डिड, घर आकर उसका रूम तैयार किया। मुझे भरोसा था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। एक हफ्ते में घर आ गई, बोले नर्सरी तक नहीं पहुंचेगी। मैंने 10th क्लास तक की फीस भरकर एडमिशन कराया,
आज वो क्लास में फर्स्ट है। कहा 3 साल बच गए तो मेरिकल है, आज वो मेरिकल 6 साल है और आगे भी 65 साल तक एक खूबसूरत जिंदगी प्लान की है। अगर वो जाना चाहेगी क्या मैं जाने दूंगा? सेफ रहोगे तो वो भी सेफ रहेगी। She's lucky to have you. Can I ask you something? 65 roses का मतलब क्या है? It's 65 roses. एक दिन डॉक्टर से उसके कंडीशन के बारे में बात करते हुए मैंने सुन लिया और उसे गलत प्रोनाउंस करने लग गई। तब से मुझे यही बोलते हैं। क्या मैं एक बार उसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं। Please, I won't take much time. I promise you. Please try to understand. She's not in a state to. मतलब हम फ्रेंड्स हैं? हाँ, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं हग करते हैं, किस भी करते हैं। You know what? I have a surprise for you. हम शाम को बाहर जाएंगे। We'll have lots of fun. ये स्कूल से वापस कब आएगी? 4 बजे। ठीक है, मैं 5 बजे। 5 बजे डेंटल अपॉइंटमेंट है। तो 6 से 8 होमवर्क, 8 को डिनर, 9 को बेडटाइम। वाओ, फिक्स है, कुछ नहीं हो सकता। पापा कल सैटरडे हॉलीडे है। परफेक्ट, 9 o'clock फिक्स। हार्ट में टेबल रिजर्व किया है, आप भी आ जाना। आई हैव अ सरप्राइज प्लान फॉर हर। बाय मही, सी यू इन द इवनिंग, शार्प नाइट, भूलना मत। बाय बाय अर्चना, सी यू, सी यू, लव यू, टाटा टाटा, बाय बाय। तो कुछ बोलेगा? ये डम शर्ट्स खेलूं? तू बोल, मैं क्या बोलूं? तू शाम को जा रहा है माइकल से मिलाने? नो चांस। पापा, मेरा स्कूल उस तरफ है। तुम आज स्कूल नहीं आ रही? और कौन से शूट्स लाइन अप है? तेरा ये मैक्सिम वाला, मैं और अमोल गोवा कवर कर रहे हैं। हम गोवा जा रहे हैं, मैं भी चलेगी। गोवा? पर कल सैटरडे हॉलिडे है ना, भूल गई? पर यशना, सरप्राइज। तुम जो ये कर रहे हो गलत है। एक एक्सीडेंट की वजह से हम सब उसकी जिंदगी से निकल गए और आज एक एक्सीडेंट को रोक कर वो हमारी जिंदगी में वापस आ गई। कल पहली बार कैफे में मिलने के बाद आज मेरी बेटी से मिलने घर तक पहुंच गई और उसे पता होता कि उसकी बेटी है तो क्या वो आती?
मैं उसे अपनी मम्मा की जगह इमेजिन करके इतनी दुखी हो गई। क्या वो सह पाएगी जब उसे पता चलेगा कि वही उसकी असली मम्मा है? दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे और एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते। मैं यशना, इट्स देयर फेट। कब तक ऐसे भागते रहोगे? पता नहीं। आप जानते थे ना कि यशना मुंबई में, आपको बताना चाहिए था। एक हफ्ते में उसकी शादी है। हाय भाभी। मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊं। ग्रेट, कब तक भागूंगा? एक हफ्ता और, फिर हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। हेलो यशना। मही, कहाँ हो तुम? गोवा। क्या कर रही हो मही? तुम्हें पता है तुम्हारा कितना वेट किया, कितने कॉल्स किए तुम्हें? नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है यशना। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पापा को। हैप्पी बर्थडे माही, मे यू गेट एवरीथिंग यू विश फॉर। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। पर पापा को तो याद ही नहीं है। ओके ओके, बाद में कॉल करती हूँ। माही, ऑल ओके? हाँ। दिस हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी द हार्ट ऑफ द कंट्री। शादी के बाद अगर हम यूएस शिफ्ट हो गए तो अशोक इसे संभाले, ही विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। अरविंद, मुझे जाना है। कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग इज फाइन, कुछ अर्जेंट काम है। शो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो, आई हैव द कार, बाय। फोन लिया था। झूठ बोल रही हो? फाइन, पापा को मत बताना। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। Papa's got a special cake.
मही का बर्थडे यशना को कैसे? तुम्हारी बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारा एटीएम पिन भी। जरा भी डाउट नहीं है उसे? डाउट कैसे आता, तुमने अपनी स्टोरी में उसे बहन से भाई जो बना दिया था। यशना को याद नहीं है कि वो कुन्नूर कभी गई भी थी। मॉम डैड के डिवोर्स के बारे में भी उसे कुछ याद नहीं। उसे लगता है हमारे पापा इतने सालों से मेरे साथ यूएस में हैं। ये सोचकर वो पापा को कॉल भी करती है। तुम मुझे कभी पसंद नहीं थे, हम दोनों को शादी पसंद नहीं थी मॉम डैड की ट्रैजिक लाइफ की वजह से। सिर्फ अपनी लाइफ का एक इवेंट भूले हो, मैं तो अपनी आधी लाइफ भूल चुकी हूँ। बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। तुम जानते हो क्यों? अगर मैं भूल भी जाऊं तो मेरे पास मेरे अपने हैं जो मेरे लिए सब कुछ याद रखते हैं। उसी तरह से मिस्टर विराज, आज तुम्हारे लिए मैंने मही का बर्थडे याद रख लिया, तो चिल। क्या है ये विराज, तुम इस समंदर में क्या ढूंढ रहे हो? फाइटोप्लैंकटन एल्गी, बहुत रेयरली दिखाई देता है। इसका मतलब समंदर ग्लो करेगा? हाँ। चांस ही नहीं है। अगर चमका तो मेरा फोटो मिस हो जाएगा। किसी एल्गी को देखने के लिए अगर तुम इतना टाइम वेट कर सकते हो तो आपकी लाइफ पार्टनर की एक फोटो तो हो ही सकती है ना आपके पास। मही को भी पता चलना चाहिए ना कि उसकी मामा कैसे दिखती थी। कोई फोटोज नहीं है मेरे पास। तो उन फोटोज का क्या हुआ जो आपने फर्स्ट टाइम कुन्नूर में खींची थी? वो तो होगी ना? अरे कहाना नहीं है। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आपको नहीं दिखाना है मुझे। It's okay. It's okay. At least कैसी दिखती थी? Describe तो कर ही सकते हैं। क्या तुम भूल गए? तुम्हारी wife कैसे दिखती थी? Thank you.
जुड़ी आंखें, मुस्कुराते हुए उसके गाल, उसकी आंखों को छूते हैं और उसकी आंखें और छोटी हो जाती हैं। ये रेत जैसा रंग कोई कितना भी गुस्सा अपनी एक नजर से दिल पिघला सकती है। कभी कभी साड़ी पहनती थी, ब्लैक साड़ी, लगता था कि सारा अंधेरा उसके जिस्म में आके सिमट गया। काली बिंदी और उसकी खूबसूरती को बैलेंस करती थी उसकी नोज रिंग, हमेशा नहाने के बाद बाल के लिए छोड़ती थी शायद जानबूझकर, अपने बालों को लेफ्ट साइड गिरा कर रखती थी। Kind of becomes baby. एक तरह से कहूँ तो बिल्कुल ऐसे के बाद भी तुम उसे इतना प्यार करते हो। मैंने तो बस बताया कि वो कैसी थी। इसे प्यार कहते हैं? नहीं, इसे प्यार कहते हैं।
मुंबई में भी काफी बीचेस हैं। गोवा में ऐसा क्या खास है? Well everyone, I have some good news and some bad news. Bad news is that Yashna won't be joining us. But the good news is की लाइट
करते पार्टी हो गई शुरू।
क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटी ही होगी, ये तुम्हें कैसे पता? बाय द वे, सर ने बेटी का नाम क्या सोचा है? आपका नाम क्या है? महिमा। महिमा। शायद 6 साल और जी सकती है, but why you are taking her chances away? तब आपने 3 साल का, अब ये कह रहे हो? अब तब गलत है आप? और फिर बाद में हमें लंग नहीं मिला तो, और तब तक उसे कुछ हो गया तो? हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं नो मैटर व्हाट, कितने भी परसेंट चांसेस हो, मैं और मेरी बेटी इसे साथ में लड़ेंगे। विराज, तुम्हें हमेशा से पता था तुम्हें बेटी होगी। प्लूटो जिसने वापस किया, क्या उस बच्चे का नाम मही था? ये क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मही से ज्यादा वर्षा की जगह मैंने खुद को इमेजिन कर लिया है। वो सब भी मुझे सपनों में दिख रहा है जो तुमने कहा ही नहीं। शायद ये सब मेरे एक्सीडेंट की वजह से, या मेरे ओवर थिंकिंग से हुआ है, या मही के लिए मेरा लगाव ज्यादा बढ़ गया है। I think I like you, Viraj. और मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं जानती हूँ। Do you like me? मैं पूरे रिजॉर्ट में आपको ढूंढ रहा था। What? Surprise to see me? अभी इससे भी बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। Come, we are leaving. शादी से घबरा गई।
heard these speeches coming down. तुमसे शादी करने के लिए अपने बरादी यही ले आए. Well, my dear friends and family, Yashna, my fiance. जो वो बोल रही थी वो सच है. फाइन है, मुझे मत बता. उसने खुद आकर कहा कि वो तुझसे प्यार करती है. एटलीस्ट तुझसे तो बता. बता कर. यू कैन गेट योर लाइफ बैक और एक नई शुरुआत कर सकता है तू. करके क्या, कैसे कैसे करना है? तू मही यशना, तुम तीनों साथ में खुश रह सकते हो. मैं यशना मही. वादा लेके वादा दे के साथ ना दिया, चलते चलते खो गया कहां. ना मैं जानू ना तू जाने ये क्या हो गया. ना मिल पाए ना हुए जुदा. दिल से जो मैंने चाहा टूटा सपना सुहाना. है क्या तू मेरा लागे, क्या तू मेरा लागे. Your dad. I'm in love with someone. His name is Viraj. Yashna se milna hai. Manwa mane na mera. Unse kuch puchna hai. Main tumhe bata lo. कल उनकी शादी है. वी शुडंट डिस्टर्ब हर. प्लीज पापा. नो मई, हम कल मुंबई जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. गुड स्लीप.
तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। चलिए गेस्टा से मिलने। रुक रुक रुक। ए, किसी को ढूंढ रहा है क्या? यशना, मेरी बेटी। यशना आ जाओ। I think there's a misunderstanding. उसने कहा था कि वो कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, तो आज अपनी बेटी को जलिया बनाकर वापस आ गया। नहीं मैम, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम सिर्फ मई को ले जाने के लिए आए बस मैम। उस एक्सीडेंट से बचकर उसकी बीवी नहीं मेरी बच्ची लौटी। नो 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 नो, प्लीज मैम, प्लीज धीरे बोलिए। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। बिना कुछ जाने वो यहाँ तक आ गई, बिना कोई प्लान के तुम लोग मेरी बेटी से मिले। Sorry for my brother, he's a bit, I'm Arvind. I'm the one marrying your ex-wife. Agar aapka aana yahan ek coincidence hai, to mujhe koi problem nahi. Par agar plan hai, then we both have a problem. Aapki wajah se kafi suffer kar chuki hai wo. I suggest you leave. Did I go to the wrong?
वहां गलती हो गई मुझसे। तेरा प्यार काफी नहीं है तुम्हारे लिए। प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अंदर तुम्हारी शादी हो रही है और यहाँ एक अनजान आदमी के साथ तुम जाना चाहती हो। What kind of a character is yours? पता नहीं क्यों तुमने अपने आप को वर्षा की जगह सोच लिया, पर एक चीज में तुम दोनों आर एग्जैक्टली सेम। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे भाग जाओ, जस्ट गिव अप। प्रॉब्लम से भाग नहीं रही हो, प्यार करती हो तुमसे। मही, सुना तुमने तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मही, मही, बताओ ना इन्हें, मामा की जगह तुम मुझे इमेजिन करती हो ना? इमेजिन किया था, अब मेरी रियल मम्मा नहीं हूँ। को लेकर जाओ। छुपा के रखा तुमने मेरी बेटी को बता दिया, तुम्हारा सच तुम्हारी बेटी को बता दूं। ना भूला तुझे, ना दूर हुआ, पल पल दिल
वही उठो डॉक्टर। पीछे नहीं आ गई तो चल मनवा, थम गया क्यों तू उसी जगह। छोटा सा जहां तू मेरा छोटी सी खुशी, तेरे सिवा है भी क्या मेरा। तेरे बिन जी ना पाऊं, तू ही जहां मैं जाऊं। ना छोड़ के न जाना, छोड़ के न जाना, तुझ में ही बसी है मेरी जान। यशना, तो फाइनली तुम कर रही हो ये शादी? फाइनली मिल गया आपको टाइम। वो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम था। अपनी बेटी की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। उसके कहने पर तुमने तो अपने प्यार पर ही गिव अप कर दिया, तो हो गई ना तुम उसकी वाइफ के जैसी। इससे ज्यादा मैं और क्या करती बताइए। प्रूफ करो कि तुम और उसकी वाइफ दोनों सेम नहीं हो। प्रॉब्लम आने पर तुम उसकी वाइफ के जैसे बचकर भागोगी नहीं। आज उसकी बेटी आईसीयू में है और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। वो बच्ची जी भी सकती है और नहीं भी। यशना, तुम इस लड़ाई में उसका साथ दोगी या फिर उसकी वाइफ के जैसे छोड़कर भाग जाओगी? जो भी करोगी, इट्स योर कॉल। यशना, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अपने पापा से बाद में भी बात कर सकती हूँ। जाओ, सब वेट कर रहे हैं, जाओ। पापा, व्हाट? ये तुम्हारी लाइफ है। जब प्रेम अपनी मर्जी से किया है तो आज ये फाइट भी तुम्हें ही करनी होगी। वेट कर रहे हैं सब लोग। चलो यशना। मुझे जाना है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इज इट विराज? तुम जानते हो विराज को? क्या तुम जानती हो विराज को? ओके, तुम्हें शादी नहीं करनी, मत करो। पर वो आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है।
तुम्हें कैसे पता? तुम जानती हो कि उसकी वाइफ ने उसकी वजह से कितने दुख झेले हैं? उसने भी बहुत कुछ सहा है। She wanted a divorce. No, she didn't. Yes, she did. हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना उसने डिवोर्स मांगा था। मैंने नहीं मांगा था। यशा ने एक्सीडेंट से पहले डिवोर्स की बात की थी। की थी? वो विराज से कभी दूर गई नहीं। मुझसे प्यार कैसे करती? फजूल में उसको इतना। अशोक, अशोक तो बहुत पहले हो चुकी थी, बस तुम्हें उसका हिस्सा नहीं थी। मैंने तो केवल उसकी शादी को बचाया है। वो कोई शादी नहीं है, उसने जो जिया उसे जीना नहीं कहते। और तुम जो शादी कराना चाहती थी वो शादी है? सिर्फ तुम्हारे हिसाब से जीने को ही जीना कहते हैं? तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन याचना के लिए विराज जैसा लड़का नहीं ढूंढ पाओगी। यस, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एक्सीडेंट से तो एक बात साबित हो चुकी है, मेरी बेटी याचना जो सब भूल चुकी थी उससे ज्यादा मेरी जरूरत मेरी पोती और विराज जो याचना की यादों के सहारे जी रहा था मैं थी। इसलिए मैं चला गया उनके साथ रहने। आज तक एक सेमिनार ऐसा नहीं है जो उसने अटेंड ना किया हो, एक डॉक्टर नहीं जिससे ना मिला हो, उन सब से लड़ लिया जिसने कहा कि वो नहीं बच पाएगी, आज तक लड़ रहा है। वो मेरा वो बेटा है जो सिर्फ किस्मत से ही मिलता है। जो शीश महल तुमने यशना के चारों ओर बनाया है ना, पल भर में वो तोड़ सकता है, पर वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी से थोड़ा ज्यादा प्यार तुम्हारी बेटी से करता है। जब भी उसकी यादें उसके मन में आती हैं, तो उन्हीं अच्छी यादों को लेके वो दूर चला जाता है। यशना तो 6 साल पहले ही सब कुछ भूल चुकी थी। इन 6 सालों में यशना बहुत कुछ देखी है। मैं, तुम, उसकी फ्रेंड्स, फैमिली सब उसके साथ होने के बावजूद वो फिर से उसी से प्यार कर बैठी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ शादियां ऐसी ही होती हैं, और कुछ शादियां ऐसी होती हैं कि जितना भी जोड़ने की कोशिश करो टूट ही जाती है, जैसी हमारी शादी। इनकी शादी तो ऐसी है कि जितना भी तोड़ने की कोशिश करो जुड़े रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। We failed as a couple. Let's not fail as parents. Please. Huh?
अभी कहा था उसने आपको नहीं छोड़ूंगी पापा, मेरे बुलाने पे जवाब नहीं दे रही, सब कहते थे वही मेरी वजह से जिंदा है, नहीं मैं वही की वजह से जी रहा हूं, डर लग रहा है। इधर देखो, सिर्फ 7 दिन के तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपना शादी का मंडप छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। वो तो तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है विराज? अगर तुम रोए तो वो हार जाएगी, तुम फाइट करोगे तो वो जीत जाएगी। मही को कुछ नहीं होगा, जान से मार देता। क्या किया तुमने? पर उसकी बेटी को आईसीयू में देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। सर्वाइवल रेट इज 0.1%, सर्वाइवल रेट इज 0%, रेस्पिरेटरी फेलियर, वाइटल्स आर ड्रॉपिंग, लंग है हमारे पास, देन व्हाट्स स्टॉपिंग अस? उसे ऑपरेट किया तो वो नहीं बचेगी। ऑपरेट नहीं किया तो क्या बच जाएगी? शायद कुछ घंटे। Anyhow, she's dying. What's stopping you, sir? इतने बड़े ऑपरेशन के लिए इस हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, लाइक क्रिटिकल केयर, ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट। जानते हो इसे कितने स्पेशलिस्ट की गाइडेंस की जरूरत है? That's Arjun Srivastav. He's a senior consultant pulmonologist, AIIMS, New Delhi. That's Mr. Sandeep Bhattacharya. He's a senior consultant, critical care, Leelavati Hospital. That's Joseph and Hari, sir, two of the best anesthesiists. That's my brother, sir, Ashok. He's a general surgeon. And I'm Arvind Bhatia, neurosurgeon. It's my wedding, sir. Sirf main nahi, mere sare dost doctors hain. Country ke best doctors is waqt yahan maujood hain. Agar hum nahi to kaun bachayega use? Agar bachchi ko kuch bhi hua to our reputation will be at stake. Then let's make sure she lives. Arvind, saalon pehle tumne mujhe bacha liya tha, aaj meri beti ko bhi bacha lo, please. I'll try my best. हर सपना सच हो जाएगा। बताओ
मैं तुमसे कुनूर में मिली होती, काश मुझे तुमसे प्यार हुआ होता, काश मैंने तुमसे शादी की होती। मैं काश मैंने उसे जन्म दिया होता। जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल, तारिया ना पाउंदा हां मैं बातां अज कल, तेरा ते पता नहीं तेनू याद है के नहीं, तू ता मैनू याद आउंदी हर एक पल, आखदा दिमाग रोज भुल जावां तेनू, की करा मन दा नी दिल एह गल। जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल, जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल। शैतान सी मन दानी दिल तेरा दिल बेईमान सी, की दसा तेनू मर जानिए, रब दी थां कुड़े नी मैं लैंदा तेरा नां सी। अखियां ना हंजू पौंदे बातां अज कल, जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल, जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल,
जब कदे याद मेरी आऊगी तेनू वादा मेरा बड़ा उस ताऊगी तेनू लख तू छुपा ली इस दुनियादारी तो विचो विची खाऊगी तेनू पड़ नहीं होने ते तू बीते होए कल जाग जाग लंघ दिया रातां अज कल जाग जाग लंघ दिया रातां अज कल छड़ दिला छड़ एह दुनिया पराई दिल विच वस लोक पाउंदे ने जुदाई कीनू कीनू बरे वाला दुख दसेगा सांभ के तू रख जेड़ी पीड़ पले आई दुखां नाल जुड़े आए नाता अज कल जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल जाग जाग लंघ दियां रातां अज कल जाग जाग लंघ